अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राशि हमारे जिले को आवंटित की जाए और साथ ही साथ हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खगड़िया को लेकर बड़ी मांग कर दी है। दरअसल लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने खगड़िया को लेकर बड़ी मांग की है। मांग में दरअसल उन्होंने बोला है कि खगड़िया में जल्द मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। राजेश वर्मा इससे पहले भी खगड़िया के मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बार मीडिया के सामने बातें कहे हैं और आज राजेश वर्मा ने लोकसभा में ये बात उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खगड़िया को लेकर उन्होंने ये बड़ी मांग की है। हम आपको चलिए लोकसभा की लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए क्या कुछ खगड़िया को लेकर राजेश वर्मा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले अध्यक्ष मोदी आपके माध्यम से खगड़िया लोकसभा की जनता का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यहां उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर दिया। महोदया, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि खगड़िया लोकसभा सबसे पिछड़ा लोकसभा बिहार का है, जहां एक तरफ हम लोग बाढ़ और सुखाड़ की मार तो झेलते ही हैं, वहीं मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा मेरा खगड़िया लोकसभा में। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहां पर एकमात्र जिला अस्पताल है जो कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के अभाव में आज जूझ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राशि हमारे जिले को आवंटित की जाए और साथ ही साथ हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की मांग है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी जान केवल इसीलिए गवाई कि वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय का अध्यक्ष महोदया का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हमारे लोकसभा क्षेत्र में हो, ये सुनिश्चित हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए मैं आपसे निवेदन गुजारिश करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश के बाकी राज्यों में जहाँ पर बिहार के लिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। माननीय श्री कीर्ति झा आजाद जी, धन्यवाद